आज गाना गाने के लिए सिस्टर सोनी श्यामल को लाइन में स्वागत करती हूँ। सिस्टर सोनी Praise the Lord. प्लीज चलो। आशा तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं. आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं. ना कोई धोबी है रलिया कर, भिक्षो हमको अपनी ताकत. खाली दिलों को हम लाते हैं, खाली दिलों को हम लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं. आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं. हमने बहुत खताए की है, रहे निकम्मे जपाए की है. शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं. आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं. तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी. स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं. आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं. भूलो ना इन बंदों को तुम क्रूस पर, दुख जो सहाते थे तुम. उस ही प्यार को चाहते हैं, उस ही प्यार को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं. आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं. आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं. प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर सोनी फॉर द ब्लेस्ड सॉन्ग। आशीष से चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। आज हम जब परमेश्वर के चरणों में आए हुए हैं, सिस्टर सोनी और उनके परिवार को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अभी हम वचन से सुनने का अवसर है। पास्टर जस्टिन वर्गीज जो डालस से है हमारे मध्य है, आज के वचन के लिए पास्टर जस्टिन वर्गीज को लाइन में स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको मेरा नमस्कार। खुदावन ने कैसा मौका दिया ताकि हम मैं आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ देर आपसे मैं बात कर सकूं। इस खुदावन के इस बड़ी हुजूरी के लिए मैं खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जिस तरीके से सिस्टर सोरी ने भी गाया, आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। और वही हमारी प्रार्थना है, वही हमारी दुआ है कि खुदावन तेरा आशीष हमारे ऊपर बना रहे, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हर चीज पे तेरा आशीष बना रहे। आइए हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरे कदमों में एक और बार आते हैं, तेरी आशीष है हम चाहते हैं, तेरा अनुग्रह हमारे जिंदगी में बना रहे, तेरा नाम हमारे जीवन में, जीवन से खुदावन ऊंचा होने पाए। और उसी के लिए हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं।
सब कुछ यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और प्रेम कर, आमेन। खुदावंत, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन इस तरीके से बोलता है, जरमाई की पत्री उसके पहला अध्याय और पांचवा पद में इस तरीके से बोलता है कि तू अपने माँ के कोख में पैदा होने से पहले मैंने तुझको चुना है। हम लोग सोचते हैं कि शायद हम पैदा हुए क्योंकि हमारे माता पिता ने चाहा कि हम पैदा हों, मगर वचन ही कहता है कि तू अपनी माँ के कोख में पैदा होने से पहले ही मैंने तुझको देखा है और मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरा नाम जानता हूँ। पवित्र शास्त्र वचन यो भी कहता है कि दुनिया की नींव डालने से पहले ही खुदावन ने हमको मसीह यीशु में देखा है, जाना है और हमसे प्रेम रखता है। दोस्तों, आज की शाम हम यहाँ पर हैं, खुदावन की शुक्रगुजारी, खुदावन की फजल है जो हम यहाँ पर हैं, वरना कितने लोग आज की इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मगर खुदावन ने हमारे आने जाने में सब खुदावन ने हमें बचा के रखा, इसलिए हम खुदा के शुक्र गुजार हैं। हालेलुया। आज के वचन को आने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा, खुदावन ने हम सबको कुछ ना कुछ प्रतिभा, कुछ ना कुछ टैलेंट्स, कुछ ना कुछ क्षमताएं हमको खुदावन ने दी है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो जिसके अंदर खुदावन ने एक क्षमता नहीं दिया हो। हो सकता है कुछ लोग गाने में बहुत अच्छे हैं, जैसे अभी हम सिस्टर सोनी का गाना सुन रहे थे, बहुत अच्छा गाती है। थोड़ी देर पहले हमने दुआ सुनी सिस्टर्स के, तो उन्होंने जब दुआ की खुदावन ने उनको एक 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 बर्ड एक पैशन दिया है ताकि वो खुदा के लिए दूसरों के लिए दुआ कर सके, जो नष्ट हो रहे हैं उसके लिए दुआ कर सके। कुछ लोग संडे स्कूल पढ़ाने में माहिर होंगे, कुछ लोग चर्च के अनेक अन्य कार्यों में माहिर होंगे, मगर खुदावन ने हम सबको हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ क्षमता, कुछ एक प्रतिभा, कुछ ना कुछ दिया जरूर है। हम उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है जानना। हम लोग कई लोगों को देखते हैं जो स्टेज पर बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, काफी लोग करते हैं, तो हम सोचते हैं हम भी उनके जैसा गाएं। हम बहुत लोगों को देखते हैं जो कन्वेंशन में अच्छी तरह प्रचार करते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि काश मैं भी उनके तरह प्रचार कर सकता। देखिए, उनका जो प्रतिभा है खुदावंद ने जो उनको दिया है, उनकी जो क्षमता जो खुदावंद ने उनको दिया है, वो उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है आपको खुदावंद ने किसी के लिए दुआ करने के लिए, किसी गरीब की सहायता करने के लिए, किसी मिनिस्ट्री का सपोर्ट करने के लिए, किसी 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 कलीसिया के लिए आंसू बहाकर दुआ करने के लिए आपको क्षमता दी होगी। जो भी क्षमता आपको दी है, जो भी प्रतिभा खुदावंद ने हमको दिया है, हम उसका भरपूर इस्तेमाल करें। और हमेशा याद रखें, जो खुदावन ने हमको दिया है वो हमारा नहीं है, खुदावन ने हमको दिया है, खुदावन हमारा इस्तेमाल कर रहा है अपने राज्य के विस्तार के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हम सबको खुदावन ने चुना है। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरा अध्याय और 10वां पद यू कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे तू मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। इसमें प्रकाशित वाक्य 2 में हमने ये पढ़ा कि खुदावन ने हमको कई प्रतिभाएं दी हैं, कई क्षमताएं दी हैं, मगर शैतान कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे चाल चलता है, वो हमको ऐसे कुछ जेल खानों में बंद कर देता है, क्योंकि उसका सोचना सिर्फ इतना ही है, उसका प्लान सिर्फ इतना है कि ये अपनी क्षमताओं को जो खुदावन ने दी है, जो टैलेंट्स खुदावन ने दिए है, वो खुदावन के नाम के लिए इस्तेमाल ना करे, क्योंकि शैतान भी जानता है कि जो टैलेंट जो क्षमता इसमें है उसके कारण कई लोग मसीह में आ सकते हैं, कई लोग इस सच्चे मसीह को जान सकते हैं। इसलिए किस तरीके से इस व्यक्ति को, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा डालता है, ऐसे अपनी चाल चलता है ताकि आप अपनी क्षमताएं खुदावंत के लिए इस्तेमाल ना कर पाए। मगर दोस्तों, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पवित्र आत्मा है,
मसीह जिंदगी एक ऐसी जिंदगी नहीं है जो वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, मगर मसीह जिंदगी हर रोज खुदावंत के साथ चलना है, हर पल खुदावंत से बात करना है, क्योंकि हम सब में कमी है और हम गिर जाएंगे और हमारे गिरने में बहुत रास्ते हैं। इसलिए खुदावंत ने हमें पाखरू पवित्र आत्मा से भरा है ताकि पवित्र आत्मा हमें मदद करे और हमें बताए कि क्या सही है क्या गलत है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वां अध्याय मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14-13 मत्ती रचित सुसमाचार के 25वां अध्याय 14 से लेकर 30वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये वचन काफी सुना हुआ है, सबको मालूम भी है, कोई नया चीज नहीं बोल रहा हूं, मगर वही चीज हम आज की रात मैं अपने आप को याद दिला रहा हूं, वही बातें वही वचन जो हमने कई सालों से सुना है एक और बार हमारे मन में ताजा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। 14 अध्याय 14 पद इस तरीके से बोलता है कि क्योंकि ये एक मनुष्य की दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाया, अपनी संपत्ति उनके उनको सौंप दिया। तो उसके बाद लिखा गया है कि उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार, देखिए वहां पर वचन लिखा गया, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब वो देश गया। खुदावन जब हमको कोई प्रतिभा देता है, कोई क्षमता देता है, कोई कोई कार्य करने की क्षमता हमको देता है, तो कुछ को 5,000 मिलता है, कुछ को 5 मिलता है, कुछ को 2 मिलता है, कुछ को 1 मिलता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास खुदावंत ने कितने दिए, आपको 1 ही दिया है और दूसरे को 5 दिया है, इसका फर्क नहीं पड़ता। मगर खुदावंत जब आपसे हिसाब पूछेगा तो खुदावंत आपसे 5 का हिसाब नहीं पूछेगा, आपको खुदावंत ने 1 दिया है तो आपसे 1 का ही हिसाब पूछेगा। हालेलुया। और खुदावंत ने जिससे 5 दिया है उससे 5 का हिसाब पूछेगा। वो दिन करीब है जब खुदावंत अपने दिए हुए टैलेंट्स को उसका हिसाब पूछने वापस आने वाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं खुदावन ने सबको उस व्यक्ति ने किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 दिया है। तब जिसने 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसे लेन देन किया, उसे मतलब व्यापार किया और 5 तोड़े और कमाए। देखिए उसके पास जो था उसका उसने व्यापार किया, उसका इस्तेमाल किया और उसको उसको दुगना बनाया। उसको 5 मिले थे उसको दुगना बनाया, उसकी सामर्थ्य थी कि वो 5 तोड़ों को संभाल सकता है। तो खुदावन ने उसको 5 तोड़े दिए और उसने उस तोड़ों को व्यापार कर 5 का 10 बनाया। आमेन। इसी रीति से जिसको 2 मिला था उसने भी उसको इस्तेमाल किया और 2 का 4 बनाया। परंतु जिस व्यक्ति को 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। ये बहुत ही बड़ी बात है। उसको इस बात से मतलब नहीं था क्या था कि उसके पास एक प्रतिभा, उसके पास एक टैलेंट खुदावन ने दिया है। वो मनी मन सोच रहा था कि किसी को 5 दिए तो मेरे को 1 क्यों दिया, किसी को 2 दिए हैं मेरे को 1 क्यों दिया। वाई मैं हमेशा दुआ करती हूँ, किसी को गाने गाने का मौका दिया है, किसी को चर्च में कुछ अलग कार्य करने का मौका दिया है। कुछ लोग जब स्टेज पर खड़े होते हैं और वो वचन से जब बोलते हैं तो वो लाखों लोगों को छूते हैं। और खुदावंद ने मुझे तो कुछ दिया नहीं, बस मैं सुबह से शाम तक प्रार्थना करती रहती हूँ, या फिर सुबह से शाम तक मैं वचन पढ़ती रहती हूँ, या सुबह से शाम तक मैं सिर्फ मरीजों को देखती रहती हूँ। ऐसा क्यों होता है? खुदावंद ने मेरे साथ ये वफादारी नहीं की है। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, वचन बहुत ही व्यक्त तरीके से बोलता है कि अपने अपने हैसियत के हिसाब से, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से खुदावन ने हम सबको इतनी खूबियां दी है। कितना दिया है ये नहीं मतलब रखता, मगर आपको जो दिया है क्या आप उसका सही रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज आज हमको जानना है। हमें जिसको 1 मिला था उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया, उसने वरन क्या किया, उसको जाके मिट्टी में खोद दिया। मतलब मेरा भी फायदा का नहीं है, किसी और का भी फायदा करना हो। उसने मिट्टी में खोद दिया, वहां बैठकर वो दूसरे लोगों के टैलेंट को देखने लगा, टैलेंट को देखने लगा और अपने आप को कोसने लगा। मैं ऐड कर रहा हूँ इसी को, अपने आप को कोसने लगा, अपने आप को पूछने लगा क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आमीन। आगे चलते हैं। 19 पद इस तरीके से बोलता है,
बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। बहुत दिनों के बाद उनके दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। दूसरी कुरिंथियों की पत्री उसके पांचवा अध्याय और उसका दसवां पद इस तरीके से कहता है दोस्तों, क्योंकि अवश्य ही हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने बुरे कामों का बदला जो उसने अपने देह के द्वारा किया गया है उसका फल वो यहीं पाएगा। इस शरीर में जब हम हैं, इस दुनिया में जब हैं, हम परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, हम पूर्णता, हम एक अच्छे कंडीशन में नहीं है। हमारी जिंदगी में, हमारे शरीर में कई ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, आपको कई ऐसे ऐसे मौके से गुजरना पड़ सकता है जब आप सोचेंगे क्या करना है, मैं तो एक इंसान हूं। मगर खुदावंत बोलता है कि मेरा पवित्र आत्मा तेरे साथ है, मैं जानता हूं कि तू अकेला है और तू अकेला ये नहीं कर सकता, इसलिए मेरा पवित्र आत्मा मैं तेरे को देख के जाता हूं ताकि तू मुश्किलों में भी, मुश्किल हालातों में भी तू अकेला नहीं है मगर मेरी पवित्र आत्मा तेरे साथ है। खुदावंत ये बोलता है, वचन ये बोलता है कि अपने सारे बुरे कार्य जो हमने किए हैं इस देह में, इन सब का हिसाब हमको इसी दुनिया में देना पड़ेगा। और वो दिन करीब है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब मसीह वापिस आएंगे और वो अपना लेखा लेंगे हमसे। अभी मौका है हमारे पास ताकि हम अपने खुदावन ने जो हमको क्षमताएं दी हैं उसका हम उपयोग करें, सही तरीके से उपयोग कर कई लोगों को, अब पहली बात अपने आप को, दूसरा अपने परिवार को, तीसरा कई अन्य लोगों को जो दुनिया में नष्ट हो रहे हैं उनको भी इस सत्य वचन में, इस सत्य में, इस प्रेम में लेकर आने के लिए हम आइए मिलकर काम करें। आगे पढ़ते हैं, हम जानते हैं 20वां पद, जिसने 5 तोड़े बनाए थे, मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तुमने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देखो मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। वो बहुत ही एक पावरफुल, एक शक्तिशाली वाक्य है, वहां पे लिखा गया अच्छे हैं और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं में का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी बनाऊंगा। और जिसने 2 तोड़े मिले थे उसने आकर कहा, है स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, देख मैंने उसको कमाकर 4 किया। उससे भी स्वामी ने यही कहा, धन्य है और अच्छे है विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं में अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद का स्वभागी बनाऊंगा। पहली कुरिन्थियों की पत्री उसके 4 अध्याय पहला और दूसरा पद इस तरीके से कहता है दोस्तों, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेद के भंडारी समझे। फिर यहां भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। खुदावन ने जो हमको इस दुनिया में लेकर आए हैं, खुदावन ने हमको डालस में रखा है, खुदावन ने हमें ओक्लाहोमा में रखा है, खुदावन ने हमको हॉस्पिटल में रखा है, खुदावन ने हमें आईटी फील्ड में रखा है, आप जहां भी जिस भी क्षेत्र में खुदावन ने हमें रखा है, खुदावन का आपकी जिंदगी से, आपसे, आपके परिवार से एक एक योजना है। उस योजना के कारण ही आप उस जगह पर आपको रखा गया है। हमें कई लोग जो हमसे और आपसे क्षमता में कई अधिक योग्य है वो आज भी भारत में है, भारत में कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग हम में से कुछ लोग अमेरिका में आए हैं, यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। दोस्तों जब हम इस देश में हैं, जब हम इस कार्यस्थल में हैं, जब हम इस पाठशाला में हैं, जहां पर भी हैं, आइए हम मसीह के पत्र बने, हम मसीह के चेले बने, क्योंकि जब भी इस दुनिया के लोग हमें देखें वो यीशु मसीह को हम में देखे, और वो दिखाने के लिए खुदावंद ने आप सबको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तोड़े दिए हैं
कोई ना कोई कार्य आपको दिया है आपके कार्यस्थल में। अगर कोई बीमार है, खुदावंत ने आपको वो अधिकार दिया है, खुदावंत आपसे बोलता है मैं तेरे साथ हूँ, उस अधिकार से जाके उसके लिए दुआ करो, हो सकता है उस कारण से वो सच्चे जीवन को, सच्चे मसीह को जान पाए। चौथा 24 और 25 पद पढ़ूंगा मैं, इस वचन को यही समाप्त करूंगा। उसके बाद तब जिसने एक तोड़े मिले थे उसने आकर कहा, ए स्वामी मैं जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है और जहां जहां नहीं चिटता वहां से बटोरता है, तो मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़ों को मिट्टी में छुपा दिया, देख जो तेरे जो तेरा था वो ये है। खुदावन ने हमको एक मौका दिया है कुछ कार्य करने का, मगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैं सिर्फ तीन चीजों को बोलकर इस वचन को समाप्त करना चाहूंगा। खुदावन ने हमको क्या क्या दिया, एक मसीह जिंदगी में हमको क्या क्या दिया। खुदावन ने हमको समय दिया है, हर जिंदगी में, हर आदमी के समय जिंदगी में 24 घंटे होते हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक भिखारी हो, चाहे वो एक नर्स हो, डॉक्टर हो, हर आदमी की जिंदगी में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, 25वां घंटा किसी के जिंदगी में नहीं होता। मगर हम अपने कार्य में इतने व्यस्त होते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम इतने व्यस्त होते हैं कि हमारे पास वचन पढ़ने का या हमारे पास परमेश्वर का कार्य करने का या हमारे पास प्रार्थना करने का, दुआ करने का समय नहीं, क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं। मगर वचन कहता है, भजन संहिता उसके 90 और 12 पद इस तरीके से कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो। हमें तो पता नहीं चलता कि दिन किस तरीके से गुजरता है, मगर आइए खुदा से हम दुआ करें, खुदा हमें अपना दिन गिनने की समझ दे। हम देखें अगर हर आदमी की जिंदगी में, चाहे वो 60 साल हो, 70 साल हो, चाहे 80 साल तक जी सकता है, करीब 25 से 30 हजार दिन उसके जिंदगी में होते हैं, तो नहाने धोने के, ब्रश करने के, गाड़ी चलाने के, सब वो अगर हटा दे तो कम से कम 10,000 से 12,000 दिन उसकी जिंदगी में होते हैं जो वो कार्य कर सकते हैं। मगर उसमें से 10-12 हजार दिन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब हम सबकी जिंदगी में, हम जो भी इस प्रेयर लाइन के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, कुछ 1,000 दिन हमारे जिंदगी में बचे, पता नहीं कब कब खत्म हो जाएंगे। हम अपने समय को सही इस्तेमाल करें, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। हम जिए तो परमेश्वर के जिए, हम मरेंगे तो परमेश्वर के लिए मरेंगे। दूसरा, धन जो खुदावन ने हमको दिया है, मलाखी उसके 3:8-10 में इस तरीके से लिखा गया है, सारे दशांश भंडार में लेके आए कि मेरे भवन में भोजन अवस्था रहे, भोजन रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं अवश्य आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरा आशीष की वर्षा करूं। दोस्तों, खुदावन ने अगर हमको धन दिया है, खुदावन ने अगर हमको जॉब दिया है, खुदावन ने अगर हमको गाड़ी दी है, ये सब खुदावन के नाम के लिए हम इस्तेमाल करें। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये नहीं है, हमारे पास जितने धन की जरूरत है उससे भी कई ज्यादा खुदावन ने हमको दिया है, और खुदावन ने हमको इसलिए दिया है ताकि हम उनको दे सके, उन लोगों तक पहुंच सके जिनके पास ये नहीं है, खुदावन ने इसलिए हमको दिया। आइए हम अपने धन का इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य का विस्तार के लिए, अपने समय को, अपने धन का हम इस्तेमाल करें। तीसरा, एबिलिटी, हालेलुया, जो मैं हमने पढ़ा है, टैलेंट्स, उसका इस्तेमाल करें। सबो शेख उसके 9:10 जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ये काम ना व्यक्ति ना ज्ञान और ना ही बुद्धिमान ना बुद्धि होगी। दोस्तों, आज की रात मैं आपसे बताना चाहता हूं, खुदावन ने अगर आपको प्रार्थना करने का, दुआ करने का एक क्षमता, एक टैलेंट खुदावन ने दिया, आइए इसका इस्तेमाल करें। हो सकता है आपको कई लोग होंगे जो आपको निरुत्साहित करेंगे, आपसे बोलेंगे कि इसकी क्या जरूरत है, मगर दोस्तों आपको ये टैलेंट आपने खुद ने नहीं कमाया, खुदावन ने आपके आपको दिया है, आपको चुना है। किस कार्य के लिए? अपने राज्य के विकास के लिए। खुदावन ने आपको गाना गाने के लिए इस्तेमाल किया है, उसको इस्तेमाल करें। हो सकता है कई लोग आपको नीचे गिराए, हो सकता है कई कई अवस्थाएं आपकी जिंदगी में ऐसे आए, परिस्थिति ऐसे आए जो आप आगे ना बढ़ पाए, मगर दोस्तों हमें उसका इस्तेमाल करना और हमें परमेश्वर के राज्य में
आगे इकट्ठा बढ़ना, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है, एक रात ऐसे आने वाली है दोस्तों, जब हमें इस चीज का हिसाब देना। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11वां पद में इस तरीके से किया था, प्रयत्न करने में आलसी ना करो, आत्मिक उत्तेजना से भरो भरे रहो और परमेश्वर की सेवा करो। आज की रात मैं इस वचन को यही समाप्त करता हूं। मुझे समय दिए ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। दोस्तों एक और बार मैं अपने आप को याद दिलाता हूं, आप सबको याद दिलाता हूं, खुदावन हमारी जिंदगी में कई कई टैलेंट्स खुदावन ने दिए हैं, मगर हमारी परिस्थितियां, हमारे हमारे आसपास के व्यक्ति, हमारे हमारी हमारी जो अवस्थाएं कुछ इस तरीके से हमें ले आती है, जब हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम अपने आप को बता देते हैं कि ये कार्य मुझसे नहीं हो सकता और मैं नहीं करना चाहता। मगर दोस्तों खुदावंत उस चीज का आपसे हिसाब पूछेगा, आप ध्यान से सुनना, खुदावंत उस चीज का जरूर हिसाब पूछेगा जो आपने किया है और जो आपको नहीं करना चाहिए था, जो आपको नहीं करना चाहिए था और आपने किया है, खुदा उसका हिसाब पूछेगा। मगर खुदा इसका भी हिसाब पूछेगा, जो आपको करना था वो आपने नहीं किया। हम अपनी जिंदगी से, हम अपने समय से, हम अपने धन से, हम अपने अपनी ताकत से, हम अपनी बुद्धि से, आइए खुदावंत के हाथ में दें और खुदावंत हमारा इस्तेमाल करें। दुआ करेंगे। परमेश्वर शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस बात के लिए, आज की रात तूने हमसे बात की खुदावंत, इसलिए धन्यवाद करते हैं। खासतौर किस ओक्लाहोमा में प्रेयर लाइन के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंत, हिंदी में, हिंदी भाषा में इस प्रेयर लाइन को चलाने के लिए हमारी बहनों को तूने मदद किया, इसलिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं खुदावंत। जिस तरीके से तूने हमसे बात की खुदावंत, जो टैलेंट्स तूने हमको दिए खुदावंत तेरे नाम का इस्तेमाल करने के लिए, तू हमारी मदद कर ताकि तेरे राज का विकास होने पाए। तेरे हाथ में हम अपने आप को देते हैं, सब कुछ यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, सुनोगे। आमीन। हालेलुया।